रतलाम रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। यहाँ एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना से रेलवे का एक भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया और OHI लाइन समेत पटरियां भी टूट गई। सुबह 5:30 बजे हुए हादसे के बाद रेलवे का बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और मालगाड़ी को हटाने का प्रयास शुरू किया। घटना के बाद जयपुर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बजाय 5 पर लाकर भोपाल के लिए रवाना किया गया। इसमें ट्रेन करीब 3 घंटे लेट हो गई। हादसे की वजह से कुछ ट्रेनें लेट चल रही है। वहीं रतलाम से मथुरा पैसेंजर को रद्द किया गया और इंदौर आने वाली गाड़ियां तथा इंदौर से जाने वाली गाड़ियों पर आंशिक प्रभाव पड़ा। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी नए बनाए हुए ट्रैक पर खड़ी थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। डिब्बे की टक्कर से बिजली का खंभा OHI लाइन के तार भी टूट गए। अगर इसी दौरान वहां से दूसरी ट्रेन गुजरती तो वो भी इस चपेट में आकर उतर जाती और बड़ा हादसा हो सकता था। रतलाम से सुल्तान किरमानी की रिपोर्ट।